इजी और स्मॉल साइज एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्रॉस चैनल मार्केटिंग और मल्टी चैनल मार्केटिंग और ओमनी चैनल मार्केटिंग, ये तीनों सेम है, मतलब इनमें इतना कोई डिफरेंस नहीं, बेसिक इनका बेसिक लॉजिक जो है सेम है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका इनका जो लॉजिक है इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट से पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं जल्दी से। दिस ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग द एक्शन मूवमेंट्स डेटा ऑफ योर कस्टमर एंड प्रोस्पेक्टस अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट प्रमोट्स द सेम मैसेज अक्रॉस अ मल्टीपल मीडिया सच एज अ वेबसाइट फिजिकल इवेंट्स एंड अ प्रिंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी could include selling through traditional outlets such as a catalogers, brick and mortar stores, malls and through the mails and our telephones. जो क्रॉस चैनल मार्केटिंग, मल्टी चैनल और ओमनी चैनल मार्केटिंग है, इसमें जो होता है, इसका जो बेसिक लॉजिक है, इसमें सबसे पहले ट्रैकिंग किया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है, जो लोगों की, जो कस्टमर की, जो आपके टारगेट कस्टमर हैं, उनको पहले देखा जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन की जाती है, उन्हें किस तरह की प्रोडक्ट पसंद है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उनकी बाइंग पावर कैसी है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनको किस तरह की क्वालिटी में प्रोडक्ट चाहिए, उनके बारे में डाटा गैदर किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल, थ्रू द प्रीवियस सेल्स, थ्रू दी कंपेटिटर फीडबैक, कंपेटिटर से दूसरे बिजनेस से जाकर पूछा जाता है, मार्केट की सिचुएशन को देखा जाता है, थ्रू दी एक्सपर्ट जो होते हैं मार्केट, उनके जरिए से डाटा वेयर हाउस से जाके डाटा गैदर किया जाता है और इस तरह के जरिए से इंटरनेट की फीडबैक से, कस्टमर के फीडबैक से डाटा को गैदर कर कस्टमर को बुला कर उनसे पूछ कर कि उनकी क्या राय है, उनसे डाटा गैदर करके, मॉनिटरिंग करके, उनको ऑब्जर्व करके अच्छे से डाटा को गैदर करते हैं, मॉनिटर करके उसको, फिर उस पर एनालिसिस करकर जो डाटा होता है, जिस मुताबिक के लोग होते हैं उसके मुताबिक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं इस मार्केटिंग, ये जो मार्केटिंग है ना, इसकी जो स्ट्रेटजी है, इसमें ये होता है कि सबसे पहले हम डाटा को मॉनिटर करके, ट्रैकिंग करकर, कस्टमर की नीड्स वांट को देखकर, उनकी सिचुएशंस को देखकर, उनकी बाइंग पावर, एटीट्यूड, फाइनेंशियल पोजीशन को हम लर्न करते हैं, उनके बारे में डाटा गैदर करते हैं, मार्केट की इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, किस पर्टिकुलर एरिया में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं उसको, उसकी इंफॉर्मेशन को गेन करकर, फिर हम देख उसके बारे में जो अच्छी सी एडवर्टाइजमेंट है, उसके बारे में अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बारे में जो सेम मैसेज होता है ना, एक ही मैसेज जो होता है वो थ्रू दी वेबसाइट, थ्रू दी टीवी, थ्रू दी प्रिंट मीडिया, मतलब प्रिंट मीडिया के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, वेबसाइट के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, बैनर के जरिए से, बिलबोर्ड्स के जरिए से, मैगजीन्स के जरिए से, रेडियो के जरिए से, एक ही जगह पर सेम मैसेज जो होता है हम मार्केट में एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट को डाल देते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस चैनल, मल्टी चैनल, ओमनी चैनल मार्केटिंग। ये क्या होता है, दोबारा से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम डाटा गैदर करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, कस्टमर की नीड डिमांड को देख कर, उसकी सिचुएशन को देख कर, उसकी कंडीशन को देख कर, फिर अपनी प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए सेम मैसेज जो है प्रोडक्ट के बारे में थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज के जरिए से, थ्रू अलग अलग जो है वेज हैं, अलग अलग जो हमारे पास मॉडर्न अलग अलग जो जरिए हैं उनके जरिए से मार्केटिंग करते हैं, लाइक प्रिंट मीडिया, लाइक अ टीवी एड्स, लाइक अ वेबसाइट्स, लाइक अ यूट्यूब, लाइक अ यूट्यूब वीडियो पे जो ऐड चलते हैं, लाइक अ रेडियो के जरिए से, लाइक अ न्यूज़पेपर के जरिए से, मैगजीन्स के जरिए से, तो टेलीफोन के जरिए से, और बिलबोर्ड के जरिए से जो सड़कों पे होते हैं, ईमेल्स करते हैं उनको, उनको स्टोर्स में जो हम अपने जो है बैनर वगैरह लगा लेते हैं, थ्रू दी फीडबैक के जरिए से उनको, मतलब मैसेजिंग करके भी उनको, मतलब आगाह करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो एक ही प्रोडक्ट को मल्टी चैनल, क्रॉस चैनल के जरिए से, ओमनी चैनल के जरिए, मतलब एक ही प्रोडक्ट है पर उसको मल्टीपल कर दिया है, मल्टीपल मतलब डिवाइड कर दिया, हर चैनल के जरिए से उसको प्रमोट किया जा रहा है, थ्रू दी यूट्यूब, इंटरनेट, थ्रू दी डिजिटल मार्केटिंग, थ्रू दी सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये इनके जरिए से मार्केटिंग
किए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस चैनल मार्केटिंग, मल्टी चैनल और ओमनी चैनल मार्केटिंग। आई होप आपको इनका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।